शिकारा नूर हक गुफ्ताए तो सूरते मंशूर हक गुफ्ताए तो सूरते मंशूर हक जो जो भी हुजूर कुतुबुल आरिफीन मियां मोहम्मद आरिफ चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदीन हैं और जो उनकी सोहबत अख्तियार कर चुके हैं, उन्होंने इस बात का मुशाहिदा किया होगा कि आपने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो शरीयत से जो है वो टकराव रखती हो, शरीयत के खिलाफ हो। हर बात और हर अमल में आपकी यही कोशिश होती थी कि मखलूक का भला हो, अल्लाह के बंदों का भला हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं आपके ख़ास गुलामों में शामिल होता था। और मैंने जो बात जो अशार में पढ़ रहा हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही शायर को बताए हुए आपके अहवाल जिसको उसने अशार में ढाला। तो आप अपने मुर्शिद को जरा ज़हन में रखिए और ये शेर सुनिए कि थाया तेरी जबी से नूर हक था तेरी गुफ्तार में मंशूर हक था तेरी गुफ्तार में मंशूर हक कलियरो कलियां मोचे फैजियाबे कलियरो अर्ज मूरत अज तो मानिंदे बहे अर्ज मूरत अज तो मानिंदे बहे को भी जन्नत कर दिया और यावरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का गवाह हूँ कि कभी किसी वक्त वो सुबह हो दोपहर हो शाम हो कोई शख्स ऐसा नहीं आया कि जिसको आपने कहा हो कि नहीं।
ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। आप लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कोई ऐसा हो तो मैं सुनना चाहूंगा कि उसकी दादरसी ना की हो कभी, मैं सुनूंगा उससे कि क्या मामला था जिसपे वो कहे कि मेरी दादरसी नहीं की। लेकिन आप इससे बात से इत्तफाक करेंगे कि हमेशा हर वक्त रात को भी सो रहे हो तो पीराने उजाम को मिलने के लिए तो पहले 4 घंटे उनके मुरीदों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं जो दुनियादार हैं, और जो फुकरा हैं रात के किसी पहर भी आपको हाजत हुई तो आपने आके खुद बाबा जी के दरवाजा खोलो और आपके जगाया, बाबा जी ये हाजत है, मसला पेश है, हल करो। कि यावरी कर दी बहर आवाज खल तादमे आखिर बवद दमसाज खल چشتی زے